संगीत जगत की जानी मानी हस्तियों में शुमार है। पद्मश्री से सम्मानित हरिहरन ने 10 से अधिक भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्होंने बॉलीवुड के कई सुपरहिट गीतों का तोहफा संगीत प्रेमियों को दिया। हाल ही में भोपाल में आयोजित संगीतमय आयोजन नाद स्वरम में शिरकत करने मशहूर सिंगर हरिहरन भोपाल पहुंचे। इस मौके पर हरिहरन ने खबर 100 से खास बातचीत की और अपना संगीतमय सफर भी साझा किया। हमारे साथ मौजूद पद्मश्री सम्मानित हरिहरन जी, आई सीधे बात करते हैं। सबसे आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। आजकल जो गाने हैं उनके रिमिक्स बन रहे हैं, क्या मौलिकता ही कमी हो गई है? क्योंकि देखा जा रहा है कि कभी हिंदी गाने के पंजाबी गाने उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है, तो क्या मौलिकता ही कमी मानते हैं आप? नहीं, एक बात है कि जब म्यूज़िक कंपनीज जो हैं वो कमर्शियल होते हैं, तो उनको ये लगा कि पुराने जो गाने हैं उनका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, कि वो एक नए साउंड के साथ वो रिलीज़ करें या एक नए अरेंजमेंट के साथ रिलीज़ करें, तो आज की पीढ़ी जो नई पीढ़ी है उनको अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है, मतलब उनको उनकी रविश में वो मतलब स्टाइल में हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कर सकते हैं, मगर वो पुराने गाने को डिस्टॉर्ट न करें, उसकी अहमियत रखें। आप पुराने गाने की अहमियत रखिएगा, उसके बाद आप रीमिक्स करें और लाखों लोग उसे सुने, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो आवाज़ और ओरिजिनल रखिएगा आप उसको। ये मेरी दरख्वास्त है। तो देखा रहे भजन आजकल खाली गणेश चतुर्थी या दुर्गा पूजा इन पे देखने मिलते हैं। आपने हाल ही में एक भजन रिकॉर्ड किया था तो उसको काफ़ी फेमस हुआ है, बिलियंस की आपको उम्मीद थी कि ऐसे व्यूज़ मिलेंगे? देखिए, मैंने हनुमान चालीसा जो है वो 15 साल पहले गाया था, मैं 15-18 साल पहले, और कुछ 2.5 बिलियन हो गया वो, सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। मतलब ये हनुमान जी का आशीर्वाद है कि मुझे उससे गाने को मिला, और यही कहूँगा कि लोग सुनते हैं, और ये कोविड टाइम में तो 1.1 बिलियन से 1.5 बिलियन ज़्यादा हो गया, ये कमाल है ये। सो इट जस्ट गोज टू से दैट लोगों को उसे सुनने से शक्ति उनको मिलता है और दे फील पीसफुल, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। सर आखिरी सवाल, काफ़ी सारे म्यूज़िक रियलिटी शोज चल रहे हैं, इनमें सर सिंगर्स आते हैं, जीतते भी हैं, फिर गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाते हैं, कुछ ही रहते हैं जो आगे आ पाते हैं, क्या कारण? साहब जी, एक बात बोलूँ मैं, ये रियलिटी शो नहीं है। अगर आपका गाना हिट भी हो जाए, वैसे आप स्ट्रगल करके 10 साल स्ट्रगल करके आप इंडस्ट्री में आते हैं, 3 गाना हिट हो गया, चौथे गाने से कभी कभी 10 गाने के बाद आप बैठ जाते हैं, ये सब दिस इज़ नथिंग टू डू विथ। आप अपना पूरा ताकत लगाइए, गाना गाइएगा, और जब तक ये है ललाट लिखितम तब तक चलेगा आपका। तो सिंगल्स का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आप रेवोल्यूशन मानते हैं, क्या रेवोल्यूशन? सिंगल्स का जो ट्रेंड चल रहा है, एल्बम आते हैं, सिंगल्स आते हैं, सिंगल्स ना, नहीं नहीं, सिंपल है, एल्बम एल्बम को पब्लिसाइज करने में आपको बहुत पैसा लगता है, और एल्बम पब्लिसिटी के बाद भी 1 या 2 गाना ही चलता है, तो उन्होंने सोचा कि एक या दो गाना आप रिलीज करें तो खर्चा भी कम एंड उस पर कॉन्सेंट्रेशन है लोगों का, इट्स अ गुड मूव। तो जो सिंगिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गाना सीखिएगा, सिंगिंग सीखिएगा, और मस्त खुश रहिएगा। तो इसे जाने माने सिंगर हरिहरन जिन्होंने हमसे बात की, जल्दी मिलेंगे और सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए खबर 100।